गरीब का ब्रांड क्रॉक्स गिफ्ट। काशी नाम के शहर में जिगर नाम का व्यक्ति चप्पल बेचता था, क्योंकि वो बढ़िया चप्पल बनाकर बेचता था, लोग उसी से खरीदने आते थे। उसी गांव में तुकाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो आवारा था, लोगों को डराकर दुकानों से सामान चुरा कर ले जाता था। लोग उसकी काली जुबान से डरते थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन तुकाराम जिगर के पास आया। तुकाराम, ए जिगर, तुम मुझे 4 जोड़े चप्पल दे दो। जिगर, जरूर दूंगा भैया, 4 जोड़े के 2000 रुपए लगेंगे, पर तुम्हें मैं 1500 रुपए में ही दे दूंगा। तब तुकाराम, क्यों जिगर, तुम मेरे बारे में जानते हो ना? फिर वही बकवास। देख, अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो बस तुम्हें बहुत जबरदस्त चोट लगेगी। तब जिगर, अरे देखो भैया, मैं औरों की तरह डरता नहीं हूँ तुम्हारी काली जुबान से, जो करना हो करो। ऐसा कहा तब तुकाराम वहाँ से गुस्से में चला गया। 2 दिन बाद विष्णु नाम का व्यक्ति जिगर के पास आया। विष्णु जिगर से, तो भैया जिगर, वही पुरानी चप्पल पहन रखा है तुमने, तुम्हारे पास क्रॉक्स नहीं है? तब जिगर, क्या भैया क्रॉक्स? अरे वो तो बहुत महंगा होता है, यहाँ पर कौन खरीदेगा? विष्णु, अरे जिगर तुम रहते कहाँ हो? अब सारा ट्रेंड बदल चुका है, बच्चे बूढ़े और नौजवान सब आजकल क्रॉक्स ही पहनते हैं, खास तौर पर सफेद रंग के क्रॉक्स का बहुत डिमांड है। अरे पड़ोसी गांव में परसों मैंने एक आदमी को सुझाव दिया था, उसने 5 लाख रुपए के 500 जोड़े क्रॉक्स मंगवाए, 1 हफ्ते में उसने सारा माल बेच डाला, 5 लाख रुपए का निवेश था, 5 लाख रुपए मुनाफा, उसने मुझे 50,000 रुपए दिए बढ़िया आइडिया देने के लिए। तब जिगर, अच्छा भैया तो चलो मैं भी मंगवाता हूँ। बाद में जिगर एक सेठ के पास गया, अपने घर के कागजात को गिरवी रख के सेठ से 5 लाख रुपए लिए, फिर उन पैसों से उसने व्हाइट रंग के क्रॉक्स मंगवाए। धीरे धीरे लोग आकर जिगर के पास क्रॉक्स खरीदने लगे। कुछ लोगों ने आकर भाई कोई और रंग का क्रॉक्स है, यूं पूछने लगे। यूं 2 दिन बाद ये देखकर कि सिर्फ सफेद रंग के क्रॉक्स हैं, लोगों को आना कम हो गया। तब घबरा कर जिगर सोच में पड़ गया कि उधार कैसे चुकाए। तभी तुकाराम जिगर के पास आया। तुकाराम जिगर से, क्या भैया, अगर मुझे वो 4 जोड़े चप्पल देते तो इतनी परेशानी तो ना होती, बेचारा मुसीबत में फंस गए हो हैं? अरे वो तो मैं था जिसने विष्णु को तुम्हारे पास भेजा और तुमसे इतने सारे व्हाइट क्रॉक्स खरीदवाए, अब सर पीट के रोते रहो। कहकर वहाँ से चला गया। उस रात को जिगर ने अपने दोस्त बद्री को ये बात कही। तब बद्री जिगर से, यार जिगर कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई, लेकिन तुमने अच्छा किया जो इतने सारे क्रॉक्स खरीदे, अब उसे कैसे बेचना है इसके बारे में सोचो, अगर यही तुमने ब्लैक क्रॉक्स खरीदे होते तो परेशानी थी। तूने देखा कि कुछ लोग यूट्यूब में क्रॉक्स में रंग डाल रहे हैं, तुम भी ऐसा ही करो ना, लोग जिस रंग की फरमाइश करें तुम वही रंग डाल देना, अगर पसंद ना आए तो कोई और रंग डाल देना बाद में, क्यों क्या कहते हो? जिगर को ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन उसने माइक पकड़कर गांव भर में ये घोषणा की कि वो जिस रंग में लोग मांगेंगे उस रंग में उन्हें क्रॉक्स देगा। लोगों को ये बात अच्छी लगी, वो सब धीरे धीरे जिगर के पास आने लगे और अपने अपने रंग की फरमाइश करने लगे। जिगर उन्हें उनके पसंद का रंग डालकर क्रॉक्स देने लगा। यूं देखते देखते 10 ही दिनों में जिगर के सारे क्रॉक्स बिक गए। ये देखकर जिगर बहुत खुश हुआ और उसने बद्री को धन्यवाद कहा। बाद में तुकाराम और विष्णु उनके पास आए। विष्णु ने जिगर से अपने हिस्से का 50,000 रुपए मांगा। तब जिगर को बहुत गुस्सा आया। जिगर और बद्री ने मिलकर तुकाराम और विष्णु को खूब मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा।